तो कैसे हो बच्चों आप सब। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसके कई भागों को पीछे मैंने पढ़ा दिया है, ये हमारा नेक्स्ट भाग है। तो अब आप कार्बन को समझने लगे होंगे, आपको कार्बन के बारे में बहुत सारी जानकारियां अब हो चुकी होंगी। तो अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और यह नेक्स्ट टॉपिक है संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक। तो इसको समझने के लिए अब आपको कार्बन के नामकरण यानी कि नाम पद्धति को पूरा समझना पड़ेगा आपको, और बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अब हम लोग, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनसीईआरटी का मैंने नोट्स बना लिया है, उसी के टॉपिक्स को पॉइंट वाइज मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूँ। तो उसी से एक एक पॉइंट हम लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी से ये जो वीडियो है, इसके बाद वाला और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, दो तीन वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपको कार्बन एवं उसके कंपाउंड को बहुत अच्छे से समझना है, एकदम उसको आत्मसात कर लेना है, तो आपको ये सब चीज़ एकदम आना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, नाम पद्धति। नाम पद्धति जिसको हम लोग नामकरण भी कहते हैं। तो नाम पद्धति में जैसे कोई भी यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है, जैसे कि आणविक फॉर्मूला दिया गया है, जैसे कि लिखा हुआ है CH4, तो ये क्या है, ये आपको पहचानना आना पड़ेगा। C2H6 ये क्या है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। C2H2 ये क्या है, आपको जानना पड़ेगा। इन सब का नाम आपको नौजवानी आना आना चाहिए, एकदम तुरंत आना चाहिए। यदि ये नहीं आता है तो आपको बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं, और भी बहुत सारे नाम जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने हैं, उन सारे नामों को भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो अभी जो मैं शुरू कर रहा हूँ उसमें हम लोग कहते हैं एक नाम जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कि हमारा टॉपिक अभी क्या मैं शुरू कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो बहुत सीधा सा इसका आंसर है कि वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलके हुआ है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो यदि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो भी यौगिकों का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि क्या हो गया, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, ये सब है हाइड्रोकार्बन। तो आप बोलेंगे कि ये जो आप नाम लिख रहे हैं वो तो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी। आपको सीखना होगा कि ये नाम हम लोग कैसे बना रहे हैं, फिर इसका क्या नाम होगा, वो सारा चीज़ आपको सीखना होगा। तो चलिए, हाइड्रोकार्बन में जो आपको पढ़ाया गया है वह तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन नहीं सिखा रहा हूँ, क्लास 10th में जो हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाया गया है वो तीन प्रकार का है। एक को क्या कहते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये तीन प्रकार का हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास सारा एनसीईआरटी का नोट है, तो यहां पर आपको तीन ही पढ़ना है, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। तो ये आपने देख लिया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है। आगे की क्लास में जाएंगे तो ये पहले जान लीजिए, ये जो मैंने इसके पीछे वीडियो में बताया था कि जो ये यौगिक हैं, कार्बन की यौगिक हैं, वह वलय में हो सकते हैं, रिंग में हो सकते हैं, या फिर श्रृंखला में हो सकते हैं। तो ये सारे श्रृंखला वाले हैं। ये कैसे हैं, श्रृंखला वाले, वलय वाले आपको अभी पढ़ना है, दो तीन उदाहरण तो उसको मैं बता दूंगा, लेकिन वलय वाला आपको पढ़ना कब है, आगे की क्लासेस में। तो ये हो गया अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। चलिए अब एकदम ध्यान से सीखते जाइए, यह है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किससे, कितने भागों में बांट दिए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, एन, ईन और आइन। यदि मैं यहां पर नाम में लिखूं, एन, ईन और आइन, या फिर आइन चलिए लिख देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत है क्या, मतलब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन।
अब चलिए, हाइड्रोकार्बन किस चीज से मिलकर बना है? कार्बन एवं हाइड्रोजन। तो लिख देंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो इसका एक खास फॉर्मूला होता है, उसको सूत्र होता है, जिसको हम लोगों को सीखना है, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रिक के जरिए। तो अल्केन का अलग सूत्र है, अल्कीन का अलग सूत्र है और अल्काइन का अलग सूत्र है। इसके पहले मैं बता दूं, एन मतलब होता है नंबर, एन मतलब क्या होता है नंबर। तो एन बराबर वन हो सकता है, एन बराबर टू हो सकता है, एन बराबर थ्री हो सकता है। तो एन बराबर क्या होता है नंबर। तो यहां पर हम लोग इसका सूत्र सीख रहे हैं, तो बहुत आसानी से मैं आपको सिखा दे रहा हूं। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। अब यहां पर आपको देखना है कि कार्बन का संख्या यदि एन होगा तो हाइड्रोजन का 2n, कार्बन का n तो हाइड्रोजन का 2n, कार्बन का n तो हाइड्रोजन का 2n। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया है अभी तक? CnH2n, CnH2n, CnH2n। मतलब आप समझिए, C 2 है तो हाइड्रोजन 4, C 5 है तो हाइड्रोजन 10। ये आपने समझ लिया, लेकिन थोड़ा सा अभी और है, आगे भी है, इतना आसान नहीं है। तो CnH2n, यहाँ 2n में प्लस हम लोग 2 कर देते हैं, यहाँ पर प्लस 0 कर देते हैं और यहाँ पर माइनस 2 कर देते हैं। 2n में यानी कि हाइड्रोजन में 2n हम लोगों ने किया, उसमें 2 और जोड़ देना है, फिर यहाँ पर 2n में 0 जोड़ देना है और यहाँ 2n में माइनस 2। तो यहाँ 0 आप नहीं लिखिएगा तो भी ये चल जाएगा काम। तो अब आपका फॉर्मूला तैयार है, आपका सूत्र तैयार है। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, अल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और अल्काइन का क्या सूत्र होता है? CnH2n माइनस 2। तो ये तो सूत्र हो गया, अब इसी पे कौन कौन से यौगिक बनेंगे और उसका नाम क्या होगा वही हम लोगों को सीखना है। तो अभी हम लोग सूत्र को देख लेते हैं, उसके बाद इसके नाम को देखेंगे। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो बहुत गौर से आप देखेंगे तो ये जस्ट डबल है। देखिए CnH2n, अल्कीन का हम लोग बात कर रहे हैं, फिर अल्केन और अल्काइन उसके बाद पढ़ेंगे। तो जब आप अल्कीन को देखेंगे तो ये जस्ट डबल है। क्या है? जस्ट डबल। ये C है 1 तो हाइड्रोजन क्या होगा? 2। कार्बन है 4 तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 8। कार्बन है 2 तो हाइड्रोजन 4। कार्बन है 6 तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 12। कार्बन हो जाएगा 7 तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 14। तो इस तरीके से जो जस्ट डबल वाले कार्बन के यौगिक होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कीन। और इसे हम लोग तुरंत पहचान लेंगे। तो जैसे कि आप पहचानिए C2H4, ये क्या हो गया? अल्कीन। C3 तो एच क्या हो जाएगा? 6। C4 तो एच क्या हो जाएगा? 8। C5 तो एच क्या हो जाएगा? 10। इस प्रकार से आपने देखा जस्ट डबल। आप यहाँ गिन लीजिए यदि कहीं मिस्टेक हो रहा है तो C2 तो H4, तो जस्ट डबल वाले क्या हो गए? अल्कीन। तो जैसे ही आप जस्ट डबल देखेंगे तो आपको क्या बोलना होगा? अल्कीन। जैसे मैं पूछ रहा हूँ C5H10, बताइए क्या है? अल्कीन। C12H24 क्या है? अल्कीन। C6H12 क्या है? अल्कीन। जस्ट डबल आपने देखा और उसको बोल देना है कि क्या है? अल्कीन। ये तो पहला चीज हो गया। इसके बाद इसका नाम भी सीखेंगे कि C2H4 का क्या नाम होता है, C3H6 का क्या नाम होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। यदि इसका आपको नाम नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे यहां पर। अब चलिए, जस्ट डबल क्या हो गया? अल्कीन। और जस्ट डबल में हाइड्रोजन में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्केन। और हाइड्रोजन में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्काइन। तो जैसे C2H4 जस्ट डबल हो गया, C2 क्या हो गया? H4। अब इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा? C2H6। यानी कि जब लिखा होगा कि C2H6, इसको पहचानिए ये क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि जस्ट डबल से 2 ज्यादा है इसमें हाइड्रोजन में, तो हम लोग बोल देंगे अल्केन। C3H8 क्या हो जाएगा? अल्केन, क्योंकि 3 × 6 दोगुना हो गया और 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या हो गया? अल्केन। C4H10 क्या हो जाएगा? अल्केन। C5 और H10 ये क्या हो जाएगा बताइए? ये जस्ट डबल है तो क्या हो जाएगा? अल्कीन।
तो जहां भी आपको जस्ट डबल दिखेगा वो हो जाएगा अल्कीन, दो ज्यादा दिखेगा तो हो जाएगा अल्केन, और दो कम दिखेगा तो क्या हो जाएगा अल्काइन। जैसे कि देखिए और बताइए C2H4, बताइए क्या है, अल्कीन क्योंकि जस्ट डबल है। C2H6 क्या है, अल्केन क्योंकि जस्ट डबल से दो ज्यादा है तो अल्केन हो गया। लेकिन C2H2 ये क्या हो गया, अल्काइन, क्योंकि देखिए जस्ट डबल होना चाहिए था C2H4 और H में दो और कम करेंगे तो C2H2 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा अल्काइन होगा। तो यही है, इन सब सूत्रों को हम लोग कहते हैं आणविक सूत्र। क्या बोलते हैं इनको, हम लोग बोलते हैं आणविक सूत्र। तो ये बहुत अच्छा से आप लोग को सीखना होता है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है तो यहां सीख लीजिए। समझ में आ गया क्या आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आणविक सूत्र। आणविक सूत्र में जैसे कि यदि हम मैं बनाऊं यहां पर C2H कितना होगा बताइए, जस्ट डबल से दो ज्यादा तो 6, यहां पर C2H क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा C2H क्या हो जाएगा C2, और जस्ट डबल क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा C2H2। ये देखिए इसका मतलब है कि C2H6 को क्या बोलेंगे अल्केन, C2H4 को क्या बोलेंगे अल्कीन, और C2H2 को क्या बोलेंगे अल्काइन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको आएगा वह पहचानने के लिए आएगा कि इसमें से पहचानिए कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है और कौन अल्काइन है। तो अल्केन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जस्ट डबल से दो ज़्यादा, अल्कीन को जस्ट डबल, और अल्काइन को जस्ट डबल और हाइड्रोजन दो कम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आणविक सूत्र। और इसके बाद जो चीज़ आपको पढ़ना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र। क्या बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र। इसका संरचनात्मक सूत्र कैसे बनेगा, संरचनात्मक सूत्र बनाने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एकल बंध होता है। एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड, ऐसे एक लाइन खींचना है आपको। जबकि अल्कीन में कहीं एक जगह कार्बन और कार्बन के बीच में द्विक बंध होना चाहिए। कैसा बंध होना, आबंध होना चाहिए, द्विक बंध या आबंध आप वही समझ लीजिए। जबकि अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध होना चाहिए, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बंध या आबंध आप समझ रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ। तो कहीं एक जगह, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर C5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो कहीं एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है, कहीं एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है। सब में ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाएंगे तब भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है, त्रि आबंध जरूरी है। तो इसे हम लोग सिंगल बॉन्ड वाले को यानी कि एकल आबंध वाले को कहेंगे अल्केन, द्विबंध वाले को कहेंगे अल्कीन, और त्रिबंध वाले को क्या बोलेंगे अल्काइन। तो इसी को यदि हम लोग, ये आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र से आपको संरचनात्मक सूत्र लिखना है। तो यहां कितना कार्बन है, दो कार्बन है, तो आप बताइए कि इसमें सिंगल बॉन्ड लगाया जाए या डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। अब एक और खास बात आपको समझना है कि कार्बन के चारों तरफ चार सिंगल बॉन्ड लग सकते हैं, मतलब कि ये ऐसा ऐसा चार डंडा लग सकता है, तो चार डंडा आपको हमेशा गिन के रखना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो इस कार्बन का हम लोग देखेंगे तो एक डंडा है, तो तीन डंडा आप और लगाएंगे ऐसे, इसमें एक डंडा है तो तीन डंडा और लगाएंगे, और हाइड्रोजन कितना है 6, तो 6 हाइड्रोजन लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा C2H6। यदि आपको C2H4 बनाना है तो आप बताइए कि यहां पर द्विक बंध होगा या एकल बंध, तो द्विक बंध होगा, तो ऐसे द्विक बंध लगा दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया द्विक बंध, और कार्बन के आजू बाजू कितना डंडा होना चाहिए 4, तो दो ऑलरेडी है, दो ऐसे लगा दिया, दो ऐसे लगा दिया, तो H लगा देंगे बाद में। इसमें भी C2H2 है तो ऐसे बना दिया दो C और फिर H सब तरफ जोड़ देना है। तो ये है इसका संरचनात्मक सूत्र। तो आपको संरचनात्मक सूत्र भी जानना है, साथ ही साथ आपको आणविक सूत्र भी जानना है। तो ये है हाइड्रोकार्बन। तो
तो हाइड्रोकार्बन जो मैंने पढ़ाया उसमें क्या हो गया, अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया और अल्काइन हो गया। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में इसमें क्या हो गया, अल्केन में एकल बंद, अल्कीन में द्विबंध और अल्काइन में क्या हो गया, त्रिबंध। तो जो हम लोगों ने शुरू में टॉपिक शुरू किया है संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक, तो उसमें आप देखेंगे कि संतृप्त यौगिक उसे कहेंगे जिसमें और कुछ भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है। तो ये जो अल्केन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त, संतृप्त इसको हम लोग बोलेंगे संतृप्त यौगिक, जबकि अल्कीन और अल्काइन को हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है या फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, द्वि आबंध या फिर त्रि आबंध है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो द्वि आबंध आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा द्वि आबंध देख रहे हैं, तो ये आबंध टूट जाए और यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन यदि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए CH4, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, तो इसमें और कहीं एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ने की संभावना नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे संतृप्त। क्या बोलेंगे, संतृप्त, और इसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त। तो अल्कीन और अल्काइन क्या हो गया, असंतृप्त। तो ये हो गया आपका अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। लेकिन अभी तक आपने नाम नहीं सीखा है, तो नाम मैं आगे के वीडियो में फिर आपको सिखा रहा हूँ, तो आप बने रहिए, सारे वीडियोस को आपको देखना होगा, बहुत टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को सीखने में। आपको लग रहा है कि चुटकी बजाते हुए आप सीख लेंगे एक वीडियो में सारे चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता है कि आप आसानी से सीख सकेंगे। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।